मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत मुंब्रा प्रभाग समिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंब्रा के अस्पताल, होटल, सोसाइटी, स्कूल, फायर ब्रिगेड, रेलवे के लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें साफ सफाई रखने के लिए इनकी सराहना की गई और मनपा की तरफ से इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनपा के पदाधिकारियों सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनपा के सभापति अश्विन राउत ने बताया कि साफ सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की बेहद ज़रूरत है। वहीं बताया कि मनपा कमिश्नर से मित्तल ग्राउंड में एक प्रोजेक्ट की मांग की गई है, जिसमें सूखा कचरा और गीले कचरे का मशीनरी द्वारा खाद बनाया जा सके। वहीं लोगों से भी प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल न करने की अपील की गई है और दुकानदारों के पास अगर प्लास्टिक की थैली मिली तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंब्रा शहर में सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, अस्पताल, सोसाइटी, रेलवे, स्कूल, फायर ब्रिगेड जो बेहतर साफ सफाई रखते हैं, इन्हें सर्टिफिकेट मनपा की तरफ से दिया गया है। ये सर्टिफिकेट किसे किसे दिया गया है, सभापति अश्विन राउत ने क्या बताया है। जो स्वच्छता अभियान अंतर्गत हमने कुछ सोसाइटीज़, हॉस्पिटल्स और हमारे गवर्नमेंट के कुछ ऑफिस, इन्हें जो है एक सर्टिफिकेट्स दिया है, जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर दिया था। जैसे अभी रहमानिया हॉस्पिटल है, गौतमी हॉस्पिटल है और बुरहानी हॉस्पिटल है, ये तीनों हॉस्पिटल्स है, इन्हें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे एक सर्टिफिकेट दिया गया है। उसी तरीके से होटल, साहिल होटल, नूरानी होटल और मुंब्रा रेस्टोरेंट, इनको भी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में जो है अब्दुल्ला पटेल और अपना असदुल्ला सर की स्कूल है, एक सेंट मेरी स्कूल है, और सोसाइटी में जो है सुकून हाइट, ग्रेस स्क्वायर, मलिक रेसिडेंसी, मुंब्रा मार्केट, ये जो गवर्नमेंट के जो अपने प्लॉट है इसमें मुंब्रा मार्केट है, मुंब्रा पुलिस चौकी है, फायर ब्रिगेड है, इस तरीके से हमने सबको सर्टिफिकेट्स दिए हैं। और ये सर्टिफिकेट्स देने की वजह यह है कि इनका कॉपरेट हमें मिला है। अभी अगर आप हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जो पुलिस चौकी है या फिर और दीगर जिनको जिनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ये ऐसे एरिया है कि जहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है, और ऐसे एरिया में सफाई रखना ये एक चैलेंज ही होता है, और इन्होंने वो सफाई रख के हमारा जो साथ दिया है इसके लिए हमने उनको सर्टिफिकेट्स दिए आज की तारीख में। अभी आपने थोड़ी देर पहले मित्तल ग्राउंड का जिक्र किया था, मित्तल ग्राउंड में डंपिंग बनेगा या क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, मित्तल ग्राउंड में हमने डंपिंग के लिए मांगनी नहीं की है, एक प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी सुकून हाइट में हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, अपन माला वट्टे, मेरी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन करके और सोसाइटी वालों से थोड़ा मुखातिब होइए और हम वहाँ पे चलते हैं और इनको वहाँ का एक नज़ारा बताते हैं कि किस तरीके से गीला कचरा और सूखे कचरे की एक छोटी सी मशीन है, जो मशीन के ज़रिए से एक खाद बनती है वहाँ पे गीले कचरे से। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक मांग की कमिश्नर से कि हम लोग कचरा अगर कहीं पे फेंकेंगे तो एक डंपिंग ग्राउंड का वो शक्ल इख्तियार कर लेता है, बाद में लोग अपने घर का भी कचरा वहाँ पे नहीं, अगर रिपेयरिंग वर्क वगैरह भी करते तो ला कर डालते। तो इसलिए हमने कमिश्नर से मांग की है कि जिस तरीके से अपने सोसाइटी में छोटे पैमाने पर हो रहा है, हम एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने ही एरिया में करते हैं कि जिससे मुंब्रा के कचरे का एक खाद पदार्थ किस तरीके से तैयार किया जाए। तो यह हमारा खुद का मशीनरी, खुद का प्रोजेक्ट रहेगा, ये डंपिंग ग्राउंड नहीं रहेगा, मैं वापस से क्लियर करती हूँ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।